नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भादराव मैडम कक्षा 6वीं B और C के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुनरावर्तन के तौर पर कुछ लेसन का अध्ययन किया था। अभी हम लोग पाठ क्रमांक 9 मसावी और लसावी इसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के विभाजक और विभाज्य किसको कहते हैं यह हम लोग देखने वाले हैं। अभी इसके लिए हमें सबसे पहले भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल और शेषफल किसको कहते हैं, इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं किताब में हल करके, उन्हीं उदाहरणों को हम लोग समझा कर हम लोग ये जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो, पहला उदाहरण है 36/4। अभी 36 को 4 से भाग करना है। तो देखो, 4 के पहाड़े में 36 आते हैं, इसलिए 4 9 36। तो फिर यहाँ पर 36 में से 36 घटाए तो 0 आ गए। तो इसमें से देखो, जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहा जाता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है, और जो भी उत्तर आएगा उसको भागफल कहा जाता है, और जो बचेगा उसको शेषफल कहा जाता है। दूसरा एक उदाहरण देखो, 65/9। अभी देखो, 9 के पहाड़े में 65 आते नहीं है, इसलिए 9 के पहाड़े में 65 से छोटी संख्या कौन सी है। तो 9 7 63, तो 65 में से 63 घटाए तो कितने आ गए, 2 आ गए, मतलब बचे कितने, 2। तो इसमें भी देखो, जिस संख्या को भाग दिया है यानी 65 को भाग दिया है, इसलिए इस संख्या को कहेंगे भाज्य। कौन से संख्या से भाग दिया है, तो 9 से, तो इसलिए 9 को कहेंगे भाजक। उत्तर कितना आ गया, 7, इसलिए उसको कहेंगे भागफल। और जो बाकी बचा है वो है 2, इसको कहेंगे शेषफल। तो देखो, अभी इसमें भी अगर आप लोगों ने देखा थोड़ी से, तो देखो 36 को 4 से अगर भाग किया तो शेषफल कितना आता है, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 यह संख्या 36 की विभाजक है। उसी तरह देखो, यहाँ पर 65 इस संख्या को अगर 9 से भाग किया तो यहाँ पर शेषफल कितना रहता है, 2। इसका मतलब क्या है, तो 65 ये संख्या जो है, मतलब 9, इस संख्या का 9 ये विभाजक नहीं है। अभी यहाँ पर 4 से इस संख्या को पूरा भाग गया है, इसका मतलब क्या है, तो ये संख्या जो है वो 4 से विभाज्य है। 36 यह संख्या 4 से विभाज्यक है, यानी 4 ये संख्या जो है वो 36 का विभाजक है। उसके बाद समझ लो, अभी 36 के हमें विभाजक करने के, यानी 36 जो है वो कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में सभी संख्याएं आती है, इसलिए 1 यह विभाजक है। मतलब उसके बाद 36 को कौन से संख्या से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग दिया जा सकता है, या उसके बाद 3 से भी भाग दिया जा सकता है, 4 से भाग दिया जा सकता है, 6 से भाग दिया, क्योंकि देखो 2 के पहाड़े में 2 18 दुना 36, उसके बाद 12 3 36, 9 4 36, 6 6 6 6 कम 36, 9 4 36, 12 3 36, 18 2 36 और 36 1 36, तो ये सब 36 के विभाजक हैं। उसके बाद 48 के विभाजक कौन से हैं, तो देखो 1 है, 2 है, अभी 2 क्यों, क्योंकि 24 2 48, उसके बाद 3, मतलब 16 3 48, उसके बाद 24 2 12 4 48, तो इस तरह। उसके बाद 6 से इस संख्या को भाग दिया जा सकता है, 8 से भाग दिया जा सकता है, 12 से भाग दिया जा सकता है, 16 24 48 से भाग दिया जा सकता है। तो इस तरह से इन दोनों के विभाजक जो है वो लिखने के हैं। उसके बाद देखो, अभी इसमें से सामान्य विभाजक, सामान्य मतलब क्या कि जो कॉमन है, तो देखो इसमें से कॉमन कौन कौन से है, 1 कॉमन है इसलिए 1 ही इधर लिखा, उसके बाद 2 कॉमन है इसलिए 2 भी यहाँ पर लिखा, उसके बाद दोनों में 3 एक है इसलिए 3 लिखा, उसके बाद दोनों में भी 4 है इसलिए 4 लिखा, उसके बाद 6 दोनों में भी है इसलिए लिखा, और 12 जो है वो दोनों में ही इसलिए लिखा। तो इसके मतलब क्या है, 1 2 3 4 6 12, ये सब इन 36 और 48 इन संख्याओं के सामान्य विभाजक है। तो देखो बच्चों, इसके आधार पर हमें प्रश्न संग्रह 23 जो है वो आपको हल करना है। प्रश्न संग्रह 23 जो है, इसमें भी हमें क्या करने का है, तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों की दोनों संख्याओं के सभी विभाजक लिखो और उनके सामान्य विभाजकों का की सूची बनाओ। तो मतलब इस तरह से ही हमें क्या करने का है, ये सामान्य विभाजक लिखने के हैं। तो जैसे कि हम लोग देखो, यहाँ पर 12 और 16 पहला जो है गणित है वो है 12 और 16। देखो 12 और 16 के मैं विभाजक आपको लिखवा कर दिखाती हूँ, उसी के साथ साथ 24 और 25 के भी लिखा कर दिखाने वाली हूँ। तो जैसे देखो, अभी 12 के विभाजक लिखने के हमें, हाँ तो देखो 12 के विभाजक कौन कौन से हो गए,
तो देखो, एक के पहाड़े में 12 आते हैं, दो के पहाड़े में आते हैं, तीन के आते हैं, चार के भी आते हैं, पांच के नहीं आते, छह के पहाड़े में आते हैं, सात के नहीं आते, आठ के नहीं आते, नौ के नहीं, 10 के नहीं, 11 के नहीं, 12 के पहाड़े में आते हैं। उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी है? 16। अभी 16 के विभाजक लिखने के हैं। देखो, एक के पहाड़े में आता है, दो के आता है, उसके बाद चार के आता है, उसके बाद आठ के पहाड़े में आता है और 16 के पहाड़े में आता है। अभी इसमें से सामान्य विभाजक हम लोग लिखेंगे। अभी इसमें से सामान्य विभाजक कौन सा हो गया? ये दोनों एक हो गया, उसके बाद दो हो गए, उसके बाद चार हो गए। देखो, और कोई सामान्य विभाजक है क्या दोनों में? नहीं, एक दो और चार ये उसके सामान्य विभाजक हो गए। तो इस तरह से हमें ये सामान्य विभाजक जो है वो लिखने के हैं। उसके बाद दूसरी एक संख्या है 24 और 25। अभी 24 के सामान्य विभाजक देखो, एक के पहाड़े में आते हैं, दो से भाग दिया जा सकता है, तीन से, चार से जाता है, पाँच से नहीं, छः से जाता है, सात से नहीं, आठ से जाता है, नौ से नहीं, 10, 11, 12 से जाता है और डायरेक्ट 24 से। और उसके बाद 25, 25 के सामान्य विभाजक एक, और उसके बाद पाँच और 25, और 20 के सामान्य विभाजक निकालेंगे। अभी इसमें से कौन सामान्य है? एक है। उसके बाद दूसरा कोई है क्या इनका? देखो, कोई भी नहीं है, इसका मतलब इनका सामान्य विभाजक केवल एक यही संख्या है। तो इस तरह से हमें ये प्रश्न संग्रह 23 जो है वो हम लोगों को इस प्रकार हल करने का है। क्योंकि अगर आपको सामान्य विभाजक ज्ञात करना आएगा तो उसके आधार पर हम लोग महत्तम साधारण सामान्य विभाजक यानी मसावी जो है वो हम लोग हल कर सकते हैं। इसलिए देखो, प्रश्न क्रम संग्रह 23 में जो भी गणित बचे हैं वो आपको हल करने हैं। और उसी के साथ साथ ये जो है भागफल शेषफल किसको कहा जाता है ये भी आप लोगों को अपने कापी में लिखने का है। तो देखो, अगले वीडियो में मैं आपको मसावी यानी महत्तम सामान्य विभाजक पढ़ाने वाली हूँ। उसके पहले आपको ये प्रश्न संग्रह 23 जो है वो हल करने का है। धन्यवाद।